न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब आप इसे महाभारत के पांडवों का इंद्रप्रस्थ कहिए या फिरोज शाह तुगलक का फिरोजाबाद, आम जनता तो इसे दिल्ली के नाम से ही जानती है। कहते हैं कि दिल्ली का दिल इतना बड़ा है कि गरीब से गरीब या अमीर से अमीर इंसान यहाँ आकर बस सकता है, इस महानगरी में अपने सपनों को सच कर सकता है। सदियों से न जाने कितने भिन्न भिन्न धर्मों के लोग यहाँ साथ रहते हैं। कई लोग तो अपना देश छोड़कर यहाँ अपना आशियाना बसाने आ जाते हैं। हर इंसान जो यहाँ आता है वो दिल्ली का ही हो जाता है। दो हजार सत्रह तक 15,000 रेफ्यूजीज और 5,000 असाइलम सीकर्स को इस शहर ने अपनी जमीन पर पनाह दी है। इनमें बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, सोमाली और बर्मी जैसे लोग शामिल हैं। पर दिल्ली की धड़कन में टिबेटन लोगों ने एक अलग ही जगह बना ली है। एक छोटा सा टिबेट दिल्ली में भी है, जिसे हम सब मजनू का टीला के नाम से जानते हैं। आज इस रेफ्यूजी कॉलोनी का ऑफिशियल नाम न्यू अरुणा नगर है, जो कि दिल्ली के उत्तरी भाग में दिल्ली विश्वविद्यालय के पास और यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ये जगह अपनी भूल भुलैया गलियों, छोटे छोटे बटे हुए तिब्बती झंडे और प्रार्थना की घंटियों के लिए पूरी दिल्ली में मशहूर है। 1959 में जब पूरा तिब्बत चीन के अत्याचारों से जूझ रहा था, तब भारी संख्या में तिब्बती लोग और दलाई लामा, जो इनके गुरु भी हैं, वो इंडिया आ गए थे। 1960 में जब भारतीय सरकार ने ये ज़मीन इन लोगों को रहने के लिए दे दी, तब उन्होंने इसी में अपना छोटा सा तिब्बत बना लिया, बिल्कुल दिल्ली के बीचों बीच। शुरुआत में जो ये जगह अभी हम देख रहे हैं वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। ये एक खुला मैदान था जहाँ लोगों ने अपने घर सिर्फ ईंटों और कैनवस के टेंट से बना रखे थे। पर आज यहाँ 2 से 3 मंजिलों वाले ऊंचे छोटे इमारत है, जो कि एक दूसरे के इतने करीब है कि आप शायद एक घर से दूसरे घर कूद कर भी जा सकते हैं। टिबेटियंस की ये कम्युनिटी अब वक्त के साथ बढ़ रही है और अब ये टिबेटियंस की तीसरी पीढ़ी का घर बन गया है। पोनाम नेगी एक ऐसी इंसान है जिनके पूर्वज भारत में 1970 के भी पहले आ गए थे। ये लोग तब से यहीं रहते हैं और आज पोनाम अपनी एक दुकान नीमा आर्ट्स भी चलाती है, जिसमें टिबेटियन सजावट यानी डेकोरेशन की चीज़ें मिलती हैं। वेल, माय शॉप बेसिकली माय डैड्स शॉप, इट्स ऑल अबाउट हैंडीक्राफ्ट्स। इट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय टिबेटन कल्चर बिकॉज दैट्स वेयर वी कम फ्रॉम। सो वी हैव ऑल दीज आइटम्स दैट आर इन्फ्लुएंस्ड, द कलर्स, द डिज़ाइन, द बीड्स एंड एवरीथिंग बाय टिबेटन कल्चर। सो दिस इज़ व्हाट आवर शॉप इज़ ऑल अबाउट, टिबेटन कल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स। I was born and brought up in Delhi only, so since birth I've been here. Well, my family is also from India itself. I think my ancestors, great-great-grandfather also, they might be from Tibet because we've moved a long time back to India. So my dad, he belongs to Kinnaur. My grandparents, they were like from Shimla and Mussoorie. So we are basically with the Himachali background, but again, Indian culture and everything, we've been a part of it since very long time. We've been to Majnu-Ka-Tila. It's also like a lot of, basically it's all Tibetan people over there. They are mostly, I think, who would have families in Tibet and they've just recently moved or they've immigrated to India. So yeah. आज यहाँ Tibetans तो है ही, पर उनके साथ ही साथ नेपाली, भूटानी और पूर्वी भारत से भी आकर लोग बसे हुए हैं। मिलिए इन 57 साल के थांगा बनाने वाले से, जो कि मजनू के टीला में कई सालों से रहते हैं और काम भी करते हैं। मजनू के अंदर ही पैदा हुआ मैं अभी। है मेरा पहले बचपन भी, जवानी, बुढ़ापे में यहीं बैठा है मैं अभी। हाँ, काम करने है, मैं जब से काम कर रहा हूँ 15-16 साल से, मेरा काम अच्छा है, बढ़िया है। यहाँ पे काम मेरा पास के पास है, घर के पास है, मैं काम अपना काम पे काम होता है, अच्छा है। हाँ, सब जानते हैं मेरे को, सारा अच्छा सा बोलते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, सब लोग जानते हैं, क्योंकि पुराना हो गया ना तो उनको पता है।
ये काम थोड़ा अलग है ना, हटके है थोड़ा सा काम. ये भगवान लोग हैं, इनके भगवान जो होते हैं ना वो हैं, इनके सारे तिब्बती लोगों के. थनका बोलते हैं, थनका थनका. हाँ, ये कपड़ा ये बनारस का है, महंगा कपड़ा है ये भी. मैं हिंदू हिंदू हूँ, टीका राम है मेरा नाम. पहले से चेंज हो गया, पहले कुछ और, पहले ज़्यादा तिब्बती था ना. हाँ जी, अब थोड़ा सा कम है. ऐसी यही तो बस आती है जाती है, कहाँ कहाँ से आते हैं. और हैं सब तिब्बती हैं, नेपाली हैं, हमारे भी लोग हैं अपने यहाँ पे बहुत. यहाँ के लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जब तिब्बत और चाइना के बीच का तनाव थोड़ा शांत हो जाएगा तो वो वापस चले जाएंगे, लेकिन काफ़ी लोग वापस नहीं गए. वो यहीं रह गए क्योंकि शायद दिल्ली ने उनका दिल जीत लिया था. जो कि बस अभी कुछ 6 महीने पहले ही दिल्ली आ गई है अपने टिबेटन पति के साथ, वो आज अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती है मजनू के टीले में. नेपाली हूँ और मेरा पति छिपाते हैं. 9 साल हो गया साथ में, अभी तक साथ में है. वाटर मोमो, वाटर मोमो यानी प्रेशर कुकर में पानी में डालो, बॉयल करो और उसका चटनी थोड़ा डिफरेंट होता है, चिल्ली के साथ खाने के लिए टेस्टी होता है. अब हम लोग तो यहाँ का लोकल नहीं है, ज़्यादा जमीन भी नहीं है, लेकिन जो यहाँ का लोग है, पहले तो ये रिफ्यूजी कैंप तो था, अब इसको भी पास कर दिया. अब सब इंजॉय बोलेगा, रिफ्यूजी कैंप तो बोलने वाला कोई भी नहीं है. अब सबको घर का पास हो गया, जगह का पास हो गया, सबके हाथ में लाल पुर्जा है, सब खुश है यहाँ पे. ठीक है, मजबूत बना दिया, जैसा इंडिया मौजूद है, इंडियन सरकार मौजूद है, मजबूत है, और जगह भी मजबूत हो गया, हम लोग भी मजबूत है. खुश हूँ इंडिया से. बट देख, दे तो कुछ नहीं सकता, लेकिन क्या करूँ ना, सब मजबूरी है. लेकिन ये छोटू है, काम करने वाला है, लेकिन फिर भी अपना बेटा जैसा रखती हूँ. अब ज़्यादा तो दे नहीं सकता, प्यार दे सकती हूँ इतना ही. भी है ज़्यादा है, ये जो होटल दुकान चलाने लोग होता है ना, नेपाली भी ज़्यादा है, अंदर अंदर में बैठने वाला ज़्यादा है, और काम करने वाला भी है बड़ा बड़ा होटल में. नेपाली लोग कुक होटल चलाते हैं, ज़्यादा है नेपाली भी. इंडिया तो ज़्यादा फैसिलिटी अच्छा है ना, अच्छा है. नेपाल में कहाँ इतना फैसिलिटी है, फैसिलिटी नहीं है नेपाल में. नेपाल में तो सिर्फ अपना काम करो, अपना खाओ, किसी का परवाह नहीं, किसी का मतलब नहीं. पब्लिक भी ऐसा हो गया, एक दूसरे के बारे में नहीं सोचता आजकल. एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ के लोगों की ये है कि ये लोग अपने आप को माइग्रेंट्स कहते हैं और ना कि रेफ्यूजीज. ये शायद इसलिए भी है क्योंकि इंडिया ने यूएन के साथ रेफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ 1951 और 1967 प्रोटोकॉल साइन नहीं किया है. आज ये एक पूरी तरह से टिबेटियन कॉलोनी है जहाँ सुंदर कैफेज और रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें बहुत ही बढ़िया खाना काफ़ी किफ़ायती दामों पे मिलता है. आइए चलते हैं एक ऐसे ही कैफ़े में जो कि सिर्फ मजनू के टीला में ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में मशहूर है अपने सुंदर इंटीरियर और लाजवाब पैनकेक्स के लिए. जब हमने स्टार्टिंग में इस कैफ़े को ओपन किया था तो ये कैफ़े सिर्फ एक फ्लोर का था. जैसे जैसे हमारा जैसे कि कैफ़े चलने लगा, कस्टमर ज़्यादा आने लगे, उसके कारण हमने दूसरा फ्लोर ओपन किया है जो जिसको अभी ओपन किए हुए लाइक थ्री इयर्स हो रहा है. सो उसके बाद हमारा और कस्टमर जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से ज़्यादातर स्टूडेंट आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, देन टूरिस्ट आते हैं, देन हमारे यहाँ के लोकल कस्टमर्स आते हैं. तो उसके कारण हमारा सिटिंग प्लेस कम होने के कारण फिर
दिन भर की बात करें तो वीकडेज में कम होता है, लेकिन जब सैटरडे संडे होता है तो क्या कस्टमर का जो वो है वेटिंग टाइम भी होता है तो वो ज़्यादा हो जाता है, लाइक वो वेटिंग टाइम 2 hours, 2.5 hours का होता है। मे बी कस्टमर को हमारा यहाँ का फूड पसंद आता है या एम्बियंस पसंद आता है, ये तो मैं तो नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि वो कस्टमर के ऊपर है। सो हमारे यहाँ का फेमस डिशेज में अगर बात करें तो पैनकेक है, फर्स्ट थिंग पैनकेक है। दूसरा अगर आप डेजर्ट्स की बात करें तो मड केक हमारे यहाँ का बहुत फेमस है। सो दिन भर में हमारे कैफे में अगर संडे की बात करो तो लाइक वेटिंग होता है हमारा 400-500, तो इस बीच कितना कस्टमर आता है ये तो नहीं बोल पाऊँगी एग्जैक्टली। यहाँ की पतली गलियों में बहुत सारी दुकानें हैं जिसमें बुक्स, टिबेटन और चाइनीज फिल्म सीडीज और डीवीडीज, स्टैचूज, हैंडीक्राफ्ट्स, कपड़े, जूते, चाइनीज और टिबेटन पैक्ड फूड, गैजेट्स और अगरबत्तियाँ मिलती हैं। टूरिस्ट्स और नॉर्थ कैंपस के स्टूडेंट्स यहाँ रेगुलरली शॉपिंग, खाना और फोटोज क्लिक करवाने के लिए आया करते हैं। I am not so often in India. I was on a retreat, on a Sufi retreat. I like the Tibetan religion very much, and I come from Germany. And I have a lot of friends who are Buddhists as well, and who have this free Tibet sign. And I really hope and hold the vision that Tibet will be free again, because it's very deep culture. It's something that I'm into, and. We came here, and what I experienced is that here the people are more honest than in other places, because I wanted to something in wool or cashmere, and they said, no, it's not all wool, it's a mixture, and this is what I highly appreciate. So, thank you. साथ ही यहाँ दो छोटे मॉनेस्ट्री हैं जो काफी पुराने हैं। एक इतना पुराना है जितने यहाँ के रहने वाले लोग। पास ही एक गुरुद्वारा भी है जो कि इस रेफ्यूजी सेटलमेंट से भी पुराना है। नानक आया, नानक आया, नानक आया, नानक आया, कल तारा। और इस गुरुद्वारे का यहाँ होना बस उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना कि राजेंद्र सिंह का फैसिनेशन टिबेटियन और नेपाली कल्चर को लेके। ये खुद भारत विभाजन में 10 साल की उम्र में रावलपिंडी इस्लामाबाद से दिल्ली आ गए थे। तब से लेकर आज तक ये यही रहते हैं। साथ ही टिबेटियन मार्केट कनॉट प्लेस में ये अपना एक टिबेटियन हैंडीक्राफ्ट स्टोर इंडो टिबेटियन आर्ट चलाते हैं। ये तिबेटन मार्केट है, काफ़ी पुरानी है। 1970 में हम लोगों को गवर्नमेंट ने ये शॉप बना के दी, तब से ये मार्केट चल रही है। और टिबेटियन लोग हैं यहाँ पर, जो लोग बहुत पहले से सेटल्ड हैं इंडिया में, बहुत पहले से ब्रिटिश के टाइम से आए थे वो सेटल्ड हैं, और उन लोगों की दुकानें हैं। पहले मैं ना ज़मीन के ऊपर स्क्वैट करता था, ज़मीन पे लगा था दुकान, तो और 1970 में फिर गवर्नमेंट ने हमको ये शॉप अलाट कर दी। मार्केट अच्छी है, पहले बहुत छोटी दुकान थी, अभी थोड़ी बड़ी हो गई और काफ़ी ठीक चल रहा था, काम बहुत अच्छा चल रहा था। हम लोग नेपाली और टिबेटियन हैंडीक्राफ्ट बेचते हैं। हाँ, पहले 8 दुकानें डिपेंडेंस की थी और 6 दुकानें जो वो इंडियन लोग थे। टिबेटियन भी आते हैं, नेपालीज भी आते हैं, और सब फॉरेनर्स भी आते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड, फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो आज ये मजनू का टीला एक टिबेटियन रेफ्यूजी कॉलोनी तो है ही, मगर अब यहाँ सारे ही धर्म, जाति और संस्कृति के लोग रहते हैं, बस ठीक दिल्ली की ही तरह, जहाँ न जाने कहाँ कहाँ से लोग आकर इस महानगरी में बसे हुए हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी खुशहाली के साथ जी रहे हैं।